हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे तीसरे व्लॉग में। ये उसी की ही सीरीज़ है जो मैं तालियान ट्रिप पे गई थी। तो ये हमारा थर्ड डे है यहाँ पे। मैं तो अच्छे से तैयार हुई हूँ, ओवर ड्रेस्ड, और ये मेरी दोस्त। हेलो, लुक हर नोस, नेवर टच अ नोस लाइक दिस। कैन यू ब्रीथ बाय द नोस? I can't control my finger. You will make your I breathe by this. Like this is like a horse. I born with this. Wow. I'm so talented. You have a nose like this. तो आज हमने दूसरे होटल में चेक इन किया है। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि तालियान को हमने दो तीन पार्ट में डिवाइड किया था कि जितनी भी जो भी फेमस जगह है एक पार्ट में, मतलब नॉर्थ साइड में पहले वहाँ पे होटल लेके वो सारी जगह देख ली, फिर साउथ साइड में चले गए, वहाँ पे अब एक होटल ले लिया है, फिर साउथ साइड को कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जो प्लान था आज का, वो मेरी एक टीचर हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उनसे मिलने का था। जब मैं चाइना आई थी तो वो उन्होंने मुझे एक डेढ़ हफ्ते तक स्टार्टिंग में 1-to-1 क्लासेस दी थी, सो डैट मैं यहाँ के वे ऑफ टीचिंग से थोड़ा फैमिलियर हो जाऊँ। तालियान उनका होम टाउन है, तो एक नेटिव पर्सन के साथ घूमो तो भाई उसका तो मज़ा ही अलग है। तो वो यहीं पर होटल में नीचे आ गई थी हमारे से मिलने के लिए। सो अभी शी इज़ माई टीचर, ये मेरे से मिलने आई है, और ये पागल तो हमारे साथ है ही। ये तालियान में ही रहती हैं, तो ये हमसे मिलने आई, लंच के लिए जा रहे हैं। तो सब कुछ उन्हीं ने प्लान किया था कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। आज का मतलब आधा दिन तो उन्हीं के साथ रहा हमारा। अभी हम उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जो उन्होंने सेलेक्ट किया है। वहाँ पे जाने के बाद खाना वाना खाएंगे, देन उसके बाद आज प्लान है कि हम बीच देखने के लिए जाएंगे। ओह माय गॉड, they have so many beers. जब हम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे तो एक वियर्ड सी आवाज़ मुझे आ रही थी, जैसे ना गाय के मैं करने की आवाज़ होती है ना ऐसे। तो यहाँ पे एक मेंढक था जो ऐसी आवाज़ निकाल रहा था, मैंने पहली बार देखा। तो मेरी दोस्त ने बताया कि ये एरिया सिर्फ इसीलिए है कि किसी को फ्रेश मेंढक, केकड़े, फिश, कुछ भी फ्रेश खाना हो तो अपने हिसाब से चूज़ करके वही पकवा के रेस्टोरेंट में ताज़ा ताज़ा खा सकते हैं। यू याक, इसमें सांप जैसी एक मछली भी थी, मतलब बिल्कुल सांप की तरह तैर रही थी वो, और छोटी बड़ी मछलियाँ और सीप जो होते नहीं है, स्नेल्स, सब कुछ था। पूरी ट्रिप में जो मैंने ढंग से खाना खाया था वो सिर्फ आज ही खाया है, क्योंकि ये लड़की जो मेरे साथ गई थी ना, ये भाई बिल्कुल ऐसे पूरे दिन में कुछ नहीं खाती, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, मतलब खाने का तो कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने सुना था वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, वो वहाँ पे भी नहीं गई मेरे साथ। भाई बहुत ज़्यादा खाने के लिए तो मैं भूखी मरी हूँ इस ट्रिप पर। और फिर हम खाना वाना खा के निकल गए बीच देखने के लिए। तो रास्ता बहुत प्यारा था, बहुत ही सुंदर, और ये सिटी बहुत सुंदर है। ये ना आर्किटेक्चर थोड़ा मिक्स है, क्योंकि ये बिल्कुल रशिया के पास है, तो रशियन आर्किटेक्चर है। बहुत ज़्यादा मतलब प्यारी सिटी है, बहुत ज़्यादा प्यारी सिटी है। ड्राइवर बहुत अच्छे हैं यहाँ के ना, ड्राइवर बहुत अच्छे हैं। इसने भी मेरे से पूछा मैं कहाँ से हूँ, मैंने बोला इंडिया से हूँ, तो इसने अपने आप ही मतलब एक इम्प्रेशन बनाने के लिए ना अपने आप ही नेट पे सर्च करके इंडिया का कोई गाना लगा दिया, जो कि मैंने भी नहीं सुना। हिंदी सॉन्ग चलाया है, मैंने कभी नहीं सुना जो।
आंखों ने सिखाया। तो हम पहुंच गए हैं जहां पे हमें जाना था, लेकिन यहां से भी मेरी दोस्त ने बताया कि कम से कम 4-5 किलोमीटर का फासला है और उसके लिए हमें अलग से टैक्सी लेनी पड़ी। मतलब वो बाहर तक, जो बाहर की टैक्सी है वो अंदर अलाउड नहीं है, अंदर की टैक्सी अलग है। तो हम गए तो यहाँ पे कुछ लोग अपना पिकनिक मना रहे हैं, कुछ इधर उधर घूम रहे हैं, सब अपने मज़े ले रहे हैं सब के सब। जितनी सुंदर यहाँ पे जगह है मैं इतना इमेजिन करके नहीं आई थी कि इतनी अच्छी जगह होगी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे मैं रहती हूँ ये बहुत छोटी सिटी है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ के बच्चे हमारे कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो ये एक छोटी सिटी मान के चल सकते हो आप, लेकिन तब भी इतना डेवलपमेंट, इतना सुंदर, क्या कहने भाई। हम बीच के बिल्कुल साइड में पहुँच गए हैं, ये मेरी टीचर जा रही है आगे आगे, और यहाँ पे ये सुंदर सा पहाड़ था जिसकी वजह से फ़ोटोज़ बड़े प्यारे आए भाई। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बीच एकदम साफ पड़ा हुआ था भाई, एक कूड़ा नहीं पड़ा था यहाँ पे, इतना साफ पानी, इतना साफ बीच, क्या कहने। एज कम्पेयर टू इंडिया मैंने इतना साफ बीच नहीं देखा, मैं जुहू बीच गई थी लेकिन इतना घटिया, इतना घटिया कंपेयर भी नहीं कर सकते हम। पीना होगी स्टार्ट। बहुत गर्मी थी लेकिन फिर भी ये पानी इतना ठंडा था, बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रिज में से निकाल के लेके आए हो। मेरे को पहली बारी में पैर भी अंदर नहीं जा रहे थे और ये बंदे स्विमिंग कर रहे हैं भाई इतने ठंडे पानी में, हद है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खेल के, स्टोन्स चुप के, पानी में पैर रख के आराम से थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटो वोटो क्लिक कराए, और हम इतना थक गए थे इसी में कि हम फिर वापस होटल चले गए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। रेस्ट करने के बाद हमारा प्लान था कि शाम को हम जाएंगे बहुत स्पेशल जगह जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो क्या है ये स्पेशल जगह, मैं आपको बताती हूँ। ये है वीनस ओरिएंटल सिटी इन तालियान। मतलब ये इन्होंने एक एरिया में ना इस तरीके से पूरा सिटी एक बनाई हुई है जिसमें सारा यूरोपियन आर्किटेक्चर इन्होंने कॉपी किया हुआ है। बट भाई जाने के बाद वहाँ पे फील ही नहीं हो रहा था कि तुम चाइना में हो। मैं मतलब बहुत बार ना ऐसा होता है कि मैं कहीं पे जाती हूँ और मैं इतनी सरप्राइज़ हो जाती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रही थी मैं चाइना को ये सोच के आ रही थी कि गाँव जैसा होगा यार, क्या ही होगा, छोटी सोच, ज़्यादा बड़ा नहीं सोचते ना हम। पर इतनी खूबसूरत जगह थी कि मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता इस खूबसूरती को, बहुत ही खूबसूरत जिसे बोलते हैं। मुझे लगता है वीनस सिटी तो कभी जाना नसीब होगा या नहीं होगा, पता चले उससे पहले वो पानी में डूब जाए, लेकिन एक ख्वाब पूरा हो गया कि हाँ सेम ऐसी जगह पे फ़ोटोज़ वोटोज़ और एक्सपीरियंस करने को मिल गया, मज़ा एकदम। कई किलोमीटर की ये यहाँ पे लेक टाइप से इन्होंने बनाया हुआ था और उसमें आप बोटिंग कर सकते हो जैसे वीनस सिटी में होता है, इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो उसी में। तो बहुत ही सुंदर जगह थी, बहुत ही सुंदर। और ज़्यादातर मैंने देखा कि कुछ बिल्डिंग्स ना बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, मुझे लगा नहीं कि उसमें कुछ है, पर देखने में इतनी खूबसूरत, क्या कहने। और मतलब होटल्स भी हैं इसी में, कैफ़ेज़ भी हैं, बुक स्टोर्स भी हैं, बहुत सारी जगह थी, और साइड बाय साइड जो वॉकिंग स्ट्रीट थी वहाँ पे, और वहाँ पे लोग अपने हैंडमेड चीज़ें बेच रहे हैं, लोकल जो इनकी स्पेशलिटी है उसको बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, कि आप चलते चलते नज़ारा लो और साथ में खाओ पियो, सामान खरीदो। मैंने तो यहाँ से ख़रीदा भी था अपने लिए कुछ चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। और कभी भी आप चाइना आओ तो भाई इस गलतफहमी के साथ मत आना कि आपको भीड़ नहीं मिलेगी, आपको हर जगह भीड़ मिलेगी, हर टूरिस्ट स्पॉट पे, हर एक जगह पे। कोई ऐसा सीज़न नहीं है, कोई ऐसा मंथ नहीं है कि भीड़ नहीं मिलती भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पे, इंडिया की तरह है सेम।
अब आप ये देखो कि इतनी भीड़ थी कि हमने टैक्सी बुक की, तो टैक्सी के लिए भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि आसपास इतने सारे लोग टैक्सी बुक कर रहे थे। और आसपास ये सामने बड़ी 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 बिल्डिंग थी जिसमें लाइट्स रात को जलती हैं, इसके पीछे भी एक राज है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई इनकी जो सिटी है उसमें कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन इन्होंने बना दी है टूरिस्ट किसी भी, इवन जो चाइनीज़ भी अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ चेंजेस हैं हर जगह पे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम किया हुआ है गवर्नमेंट ने अपना टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। और ये हमारी कैब आ गई, हम चले घर, मुझे लग रही थी भूख, मैंने इसके हाथ पैर जोड़े, बहन प्लीज़ कुछ भी खिला दे पर खिला दे। तो ये हमारी बिल्डिंग के नीचे जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, बहुत सारी शॉप्स थी जो रात को स्नैक्स वगैरह खाने की चीज़ें बना रहे थे, तो मैंने यहाँ पे नूडल्स खाए। नेवर थिंक अबाउट दिस, लाइक इन इंडिया आई नेवर थिंक माय आईज आर सो बिग, बट हियर सीइंग दीज स्मॉल आईज मेक मी लुक, माय आईज आर सो बिग। और ये मेरी दोस्त मुझे रात को डरा रही है, कभी आंखें ऐसे एकदम से कुछ करने लग जाएगी, कभी कुछ करने लग जाएगी। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय।